कंपनी लॉ यूनिट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिबेंचर। व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर क्या है? तो डिबेंचर को स्टार्ट करते हैं आज। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डिबेंचर के बारे में, कंपनी लॉ का यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 देखिए डिबेंचर क्या है। डिबेंचर को समझने से पहले आप फिर से एक वही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कंपनी को चाहिए फंड का रिक्वायरमेंट, कंपनी को चाहिए फंड। अब कंपनी अप्रोच करता है किसको? पब्लिक। कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, कंपनी बैंक से भी लोन ला सकता है, पब्लिक से भी। तो कंपनी को फंड का रिक्वायरमेंट है, कंपनी लेना चाहता है अब की बार लोन। पिछले क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हुआ है कैपिटल के बारे में, तो तब कंपनी को चाहिए था कैपिटल, अब कंपनी को क्या चाहिए? लोन। तो पहला अप्रोच होता है कंपनी का कि कंपनी बैंक के पास ना जाए। जनरली अगर आप लोगों को लोन की जरूरत होगा तो पहला, सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं? बैंक। लेकिन एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेशन कंपनी क्या करता है, सबसे पहले वो अप्रोच करता है पब्लिक को। बिकॉज अगर बैंक से लोन लेगा ना, तो बैंक का जो रेट है पब्लिक से, उससे कम रेट पर इनको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो कंपनी क्या करता है, बैंक से 12% से अच्छा पब्लिक से 6% में लोन ले लेगा। तो सवाल यह है कि पब्लिक लोन देगा क्यों? तो देखिए क्या है, कंपनी क्या करता है, पब्लिक से मांगता है लोन कि पब्लिक आओ मेरे कंपनी को लोन दो, मैं आपको क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। अब पब्लिक बोलेगा कि सर हम आपके पास पैसा क्यों लगाए, हमको तो बैंक इंटरेस्ट देगा। तो बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देगा ये, अगर आप बैंक में जमा करते हो तो आपको बैंक में मिलता है 3%, 4%, 2% के आसपास सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपनी कहता है कि आप मेरे कंपनी में आओ, मेरे कंपनी को लोन दो, मैं आपको ब्याज दूंगा कितना परसेंट, 6%। तो कंपनी को लोन प्रोवाइड करेगा पब्लिक, तो हम पब्लिक कंपनी को फंड की जरूरत है, तो पब्लिक ने क्या किया, कंपनी को लोन दे दिया। अब लोन के एविडेंस में ध्यान दीजिएगा, लोन के एविडेंस में जो सर्टिफिकेट, लोन आपने प्रोवाइड किया, जैसे आपने कंपनी को लोन दिया, तो लोन के बदले में आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा ना, एक एविडेंस मिलेगा, इसी एविडेंस पेपर को, इसी डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, डिबेंचर्स। फिर से एक बार समझते हैं क्या कह रहा हूं मैं। जब पब्लिक कंपनी को लोन देगा, जैसे आप कंपनी को लोन दिए, तो कंपनी की तरफ से आपको कुछ तो एविडेंस पेपर मिलेगा, कुछ तो डॉक्यूमेंट मिलेगा कि आपने इतने का लोन दिया। उस लोन के एविडेंस पेपर को क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स बोलते हैं, उसी लोन के एविडेंस पेपर को डिबेंचर्स बोलते हैं। अब डिबेंचर्स के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में ये पढ़ना है, एक सेकेंड, कि कंपनी को फंड मिल गया, राइट, किससे मिल गया, पब्लिक से, पब्लिक से कंपनी को फंड्स मिल गया। तो कंपनी इस फंड के बदले में, इस रुपीस के बदले में आपको जो प्रोवाइड करेगा वो क्या हो गया, डिबेंचर्स। तो आप क्या बने कंपनी के लिए, क्या आप कंपनी के मालिक बन गए? अगर आप शेयर खरीदते, अगर आप कैपिटल लगाते, तब आप कंपनी के क्या बन जाते, ओनर बन जाते। बट अभी आपने शेयर नहीं खरीदा है, आपने तो कंपनी को उधारी दिया है, लोन दिया है, आपको क्या मिला, डिबेंचर, आप बन जाओगे क्रेडिटर। कंपनी ने जो लिया इसको बोलते हैं बोरोड फंड, बोरोड फंड बोलेंगे इसको। इसके पहले जो आपने शेयर चैप्टर पढ़ा हुआ है, शेयर में कंपनी जो लेता है उसको बोलते हैं ओनर्स फंड। ओनर्स फंड का रास्ता क्या होता है, शेयर से। बोरोड फंड का रास्ता क्या होता है, डिबेंचर से। तो कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी पब्लिक से लोन ले रहा है, पब्लिक से लोन ले रहा है, उनके बदले पब्लिक को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, और पब्लिक को बना देगा अपना क्रेडिटर्स बना देगा। ठीक, आगे। अब पब्लिक ये पूछेगा कि सर हम लोन तो दिए हैं, हमको हर बार क्या मिलेगा, एवरी ईयर आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। शेयर खरीदने से हर बार इंटरेस्ट नहीं मिलता, शेयर खरीदने से आपको डिविडेंड, अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो पब्लिक पूछता है कि सर एवरी ईयर हमें क्या मिलेगा, तो एवरी ईयर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, कितना परसेंट, जितना परसेंट वाला आपने डिबेंचर खरीदा है, सपोज करो 6% वाला, तो 6% वाला आपने डिबेंचर, तो 6% का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर पब्लिक ये पूछेगा कि सर क्या हमारा पैसा वापस होगा, यस आपका पैसा वापस होगा, 100% वापस होगा। अगर आप शेयर खरीदते हैं, कैपिटल लगाते, तो आपका पैसा रिटर्न आने का चांस नहीं है, क्योंकि जब तक कंपनी चल रहा है तब तक पैसा लगा रहता है। डिबेंचर होते हैं उधारी का पैसा, तो आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल कभी भी आपको क्या मिलेगा, पैसा मिल जाएगा। तो जब पैसा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं रिडम्शन, डिबेंचर का रिडम्शन भी होता है।
अब आपको यह समझना है कि सर ये जो डिबेंचर हमने खरीदा, ये जो पब्लिक ने डिबेंचर खरीदा, पब्लिक को क्या क्या पावर है? पब्लिक ने जो क्या खरीदा, डिबेंचर खरीदा, इसको क्या पावर है? इसको कोई पावर ही नहीं मिला, इसको बस एवरी ईयर क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिलते जाएगा, और लास्ट में कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, रीपेमेंट मिल जाएगा इसको। कंपनी को फायदा क्या है? अगर कंपनी शेयर बेचता तो कंपनी को क्या करना पड़ता, ओनरशिप देना पड़ता, कंपनी को वोटिंग राइट्स देना पड़ता, कंपनी को उनको मालिक बनाना पड़ता, ओनर बनाना पड़ता। इसीलिए कंपनी शेयर के बाद जब और पैसे की जरूरत पड़ता है तो पब्लिक से उधारी लेते, उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर। देखिए अभी हमको पढ़ना है व्हाट इज डिबेंचर, डिबेंचर का, डिबेंचर का फीचर, डिबेंचर का टाइप, एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर, ये चार चीज आपको पढ़ने हैं। और भी कुछ कुछ पॉइंट रहेगा, कैसे रिडम्पशन पेमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फीचर, बड़ा सिंपल है, जो अभी मैंने 5 मिनट 10 मिनट में जो रिविजन दिया उसके ऊपर फीचर पढ़ के देखते हैं। देखो पहला फीचर क्या, बोरोड फंड। यस, किसके तरफ से आप पढ़ाई कर रहे हो? कंपनी के साइड से पढ़ाई कर, आप जो बता रहे हो थ्योरी ना, वो कंपनी के बिहाफ में बता रहे हो, पब्लिक के बिहाफ नहीं बता रहे। तो कंपनी बोलता है कि ये मेरा कौन सा फंड है, बोरोड फंड है। और अगर ओनर्स फंड बोलता तो क्या इशू करता, शेयर इशू करता। तो जो डिबेंचर से वो क्या होता है, बोरोड फंड। ओके सर, बोरोड फंड है। दूसरा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा आपको क्या देना है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरी ईयर हर साल आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा हर साल। अच्छा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी देना कंपलसरी है, ब्याज देना कंपलसरी है। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो कंपलसरी होता है इंटरेस्ट, वैसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन देगा, कंपनी देगा। किसको देगा, पब्लिक को, पेमेंट कंपलसरी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देख लो। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड का मतलब होता है 10% देना है तो 10% ही देगा, एंड कंपलसरी, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, आपको बाहर से उधारी लाकर ब्याज देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सर अपने कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी ब्याज देना जरूरी है, उसको बोलेंगे कंपलसरी ऑफ इंटरेस्ट। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, अब आपको इस सिक्योरिटी के बारे में बताता हूं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा व्हाट इज सिक्योरिटी। देखिए कंपनी पब्लिक से लोन तो ले लिया, अब बोला मैं हर बार तुमको क्या दे दूंगा, प्रोवाइड करूंगा इंटरेस्ट, और 10 साल में आपका पैसा वापस करूंगा। फिर भी पब्लिक को डाउट है, पब्लिक पूछता है सर अगर आप 10 साल के बाद पैसा वापस नहीं किए तो? तुम बोले मेरे कंपनी में अगर कोई एसेट्स है, जैसे मान लो मेरे कंपनी में बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग तेरे नाम से रख दिया मॉर्गेज, अगर मैं कल चल के डिबेंचर का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो मेरे बिल्डिंग, मेरी मशीन, मेरी प्लांट, इसको आप ले जा सकते हो। तो मतलब यही कहना चाह रहे कि कंपनी क्या करता है, अपने एसेट्स को मॉर्गेज रख देता है, किसके लिए, डिबेंचर के लिए। तो डिबेंचर आप खरीदोगे तो आप तो सिक्योर हो गए, जैसे शेयर्स खरीदोगे तो सर कंपनी का पैसा वापस नहीं मिलेगा तो हमारे शेयर्स का, तो नहीं मिला, डूब गया तुम्हारा पैसा, लेकिन डिबेंचर का पैसा कभी डूबता नहीं, इसको सिक्योर बोलते हैं, सिक्योर। आपने कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर भी पढ़े होंगे जैसे लिक्विडेशन, वहां पर भी सिक्योर वर्ड सुने। तो डिबेंचर ऑलवेज क्या होता है, सिक्योर। सपोज करो कंपनी का इंसॉल्वेंट भी हो गया, फिर भी कंपनी के प्रॉपर्टी आपके नाम से रखी हुई है, अगर आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो प्रॉपर्टी बेचकर आपको पैसा देगा। तो ये डिबेंचर के फीचर्स हैं। पहला होता है सर डिबेंचर क्या है, बोरोड फंड है डिबेंचर, ठीक है डिबेंचर बोरोड फंड है। दूसरा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तीसरा क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है। चौथा क्या है, सिक्योरिटी है। पांचवा रिडीमेबल, 10 साल के बाद 20 साल के बाद रिटर्न तो होगा ही होगा, पैसा पक्का रिटर्न होगा, इसको क्या बोलेंगे, रिडीमेबल, ये होता है इसका फी। एंड नॉन वोटिंग राइट्स, इसको क्या नहीं मिलता, वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलता, ये पॉइंट को मत पढ़ेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो डिबेंचर के क्या क्या फीचर हो गए, डिबेंचर कौन सा फंड होता है, बोरोड फंड होता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो, कंपनी। दूसरा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज देना आपका क्या है, फिक्स्ड है, 5% है तो 5% मिलेगा ही मिलेगा, डिबेंचर के सामने में परसेंट लिखा होता है, इतने परसेंट डिबेंचर, इतना परसेंट डिबेंचर, ठीक। इसके बाद कंपलसरी, प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। सिक्योरिटी मिलेगा आपको, सिक्योरिटी, रिडीमेबल कुछ समय के बाद वापस होगा 100%, एंड नॉन वोटिंग राइट्स, इनको वोटिंग राइट्स नहीं है। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जैसे कि आपने पिछले शेयर्स के वीडियो पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो पिछले वीडियो बैक करोगे तो यार डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, शेयर्स का यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रिफरेंस शेयर के टाइप्स, ठीक वैसे ही डिबेंचर्स के टाइप आपको पढ़ना है।
अब बहुत सिमिलरली कुछ उसी के तरह है डिबेंचर्स के टाइप, तैयार हैं सभी? डिबेंचर्स के टाइप पढ़ेंगे। पहला डिबेंचर कहता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। अब ये रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है, देखिए हम लोग एक डायग्राम बना के समझते हैं। कंपनी पब्लिक, पब्लिक ने दिया 100 रुपीज, कंपनी ने क्या किया, एक रजिस्टर लिया, इस रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिख लिया, सपोज करो आपका नाम रवि है, और उसको 100 रुपीज का डिबेंचर हमने इशू किया करके रजिस्टर में लिख दिया, और आपको क्या दे दिया, डिबेंचर दे दिया। मतलब आप जो डिबेंचर खरीदे हो तुम्हारा नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है कि भैया हमने रवि को ही इशू किया है और किसी को नहीं इशू किया। तो आपने जो डिबेंचर लिया ना, आप जो डिबेंचर लिया वो रजिस्टर्ड डिबेंचर है। तो 10 साल के बाद अगर कंपनी पेमेंट करेगा तो किसको पेमेंट करेगा? 10 साल के बाद कंपनी रजिस्टर ओपन करेगा, रजिस्टर में देखेगा अच्छा रवि का नाम है, रवि को ही पेमेंट मिलेगा। जिसका नाम रजिस्टर पर है उसी को पेमेंट मिलेगा बाद में, उसी को इंटरेस्ट मिलेगा बाद में, वही मेरा क्रेडिटर है। ऐसे डिबेंचर को तुम एक्सचेंज नहीं कर सकते, ऐसे डिबेंचर में आप ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसे डिबेंचर को आप किसी दूसरे को दे नहीं सकते, आप इसका ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये डिबेंचर आपके पास ही रहेगा बिकॉज आपका नाम कंपनी का रजिस्टर में लिखा हुआ है। ऐसे डिबेंचर्स क्या बन जाएंगे, रजिस्टर्ड डिबेंचर। अब जब इसका दूसरा पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा। तो आपने एक ऐसा डिबेंचर दिया जो रजिस्टर है, विच मीन्स कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम लिखा हुआ है। इन डिबेंचर को आप लेने के बाद किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको बियरेबल नहीं बोलते, इसको दूसरे को एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसे शेयर मार्केट के शेयर आप खरीदो दूसरे को दे दो, वो तीसरे से खरीदेगा, वो चौथे से खरीदेगा, वही शेयर बार बार सर्कुलेट होता है, ये डिबेंचर सर्कुलेट नहीं होगा। जिसने खरीदा उसी के पास रहेगा, उसी के नाम से रहेगा। जब कंपनी का रीपेमेंट होगा, जब कंपनी का इंटरेस्ट होगा, तो जिसका नाम रजिस्टर में उसी को बुलाकर पेमेंट किया जाएगा, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। ये हो गया आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर। अब अगला है बियरर डिबेंचर। ये जो अगला नाम है ये क्या, तुम्हारा बियरर, इसको समझो रजिस्टर आपको समझ में आ जाएगा। बियरर डिबेंचर क्या होता है, फिर से हम उसी डायग्राम को बनाते हैं। ये कंपनी, ये पब्लिक, पब्लिक में से आपने कंपनी को लोन दिया 100 का, कंपनी ने आपको 100 का क्या दे दिया, डिबेंचर दे दिया। आपके पास 100 रुपए का डिबेंचर और रजिस्टर में आपका नाम नहीं लिखा है। अब आप इस डिबेंचर को किसी दूसरे पर्सन को दे दो, वो इसको तीसरे पर्सन को दे देगा, वो इसको चौथे पर्सन को दे देगा, लेन देन चलते रहने दो। लास्ट में जब कंपनी क्या, अच्छा बीच में जब कंपनी क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा। तो किसको इंटरेस्ट देगा, ये आप खरीदे हो आपने वाई को दे दिया, वाई से जेड को, जेड का जेड से ए को चलेगा, किसको इंटरेस्ट मिलेगा, जिसके हाथ पर डिबेंचर्स है, जिसके पास डिबेंचर होल्ड है, जिसने डिबेंचर को बियर किया हुआ है, जिसके पास डिबेंचर है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। जब कंपनी रीपेमेंट करेगी, रिडम्शन करेगी 10 साल के बाद, 5 साल बाद, किसको रिडम्शन करेगी, जिसको इश्यू किया ना, ना उसको नहीं, जिसके पास डिबेंचर है, जिसने होल्ड किया हुआ है उसको पेमेंट मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, बियरर, विच मीन्स दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। रजिस्टर का मतलब है जिसका नाम रजिस्टर में उसी को मिलेगा, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। बियरर का मतलब होता है ऐसे डिबेंचर जिसको आप दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके हाथ पर डिबेंचर है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेट सपोज करो आपने कोई डिबेंचर खरीदा, आप मुझे एज अ फीस के फॉर्म में डिबेंचर दे दिए। अब मैं इस डिबेंचर को क्या कर रहा हूँ, मेरे पास होल्ड है, खरीदा आपने था, जब कंपनी इंटरेस्ट इश्यू करेगा तो मुझे मिल जाएगा इंटरेस्ट, जब कंपनी पेमेंट करेगा उसका तो मुझे मिलेगा, मैं किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, अब उसको इंटरेस्ट मिलेगा और उसको पेमेंट मिलेगा। तो जो डिबेंचर होल्ड करता है उसको क्या मिलता है, पेमेंट, और उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, दो टॉपिक समझ में आ गया, एक होता है आपका कौन सा रजिस्टर और एक होता है क्या बियरर, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट अपोजिट है। तीसरा है सिक्योर डिबेंचर। अभी अभी हमने इस फीचर के बारे में पढ़ा था, सिक्योर क्या होता है देखते हैं क्या सिक्योर, फिर से एक बार सिक्योर का टाइप, वेट, देखो सिक्योर डिबेंचर क्या, अभी मैंने समझाया था इसके बारे में। ये कंपनी, अगेन ये पब्लिक, पब्लिक में से आपने कंपनी को दे दिया 1 लाख रुपीज का लोन, कंपनी ने आपको दे दिया 1 लाख रुपीज का क्या, डिबेंचर्स। पब्लिक पूछेगा कि सर हमारा पेमेंट कब होगा, तो कंपनी बताए कि सर आपका पेमेंट 10 ईयर के बाद रिपेमेंट हो जाएगा, रिडम्शन हो जाएगा। पब्लिक के मन में आया डाउट कि सर अगर आप 10 साल के बाद पैसा नहीं दिए तो कंपनी बोलता है देखिए आपको जो डिबेंचर है वो सिक्योर है,
मेरे पास जो भी क्या रखे हुए हैं फिक्स्ड एसेट्स, उसमें से कोई एक नाम बता देगा। तो मेरे जो फिक्स्ड एसेट्स है ना सर, ये आपके नाम से सिक्योर है। अगर किसी वजह से मेरी कंपनी इंसॉल्वेंट भी हो गई, किसी वजह से मेरी कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो मेरा फिक्स्ड एसेट्स आपके नाम से, आप मेरे फिक्स्ड एसेट्स को ले जा सकते हो। तो सर ये क्या बोलेगा पब्लिक, यस मेरा डिबेंचर जो है वो क्या है, सिक्योर है। मेरा डिबेंचर क्या है, सिक्योर है, तभी तो लोग पैसा लगाएंगे। और अगर पब्लिक बोलेगा कि सर मेरा पैसा आप 10 साल बाद नहीं दोगे तो क्या होगा, तो कंपनी बोला नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, कोई मैं सिक्योरिटी नहीं देता, कोई सुरक्षा नहीं देता, तो ऐसे डिबेंचर को क्या बोलेंगे, अनसिक्योर डिबेंचर। तो पब्लिक वैसे में पैसा लगाएगा इंडियन अनसिक्योर डिबेंचर में, लेकिन कंपनी इतनी ज्यादा फेमस होती है, इतनी ज्यादा फेमस होती है कि आप वहां पर खरीदोगे, हो ही नहीं सकता कि फ्रॉड हो जाए। अडानी हो गया, टाटा हो गया, किसी के भी डिबेंचर्स अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पर फ्रॉड हो नहीं सकता। इवन गवर्नमेंट डिबेंचर्स इश्यू करता तो गवर्नमेंट तो फ्रॉड हो नहीं सकता। तो आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पेमेंट जरूर मिल जाएगा। तो आपने एक ऐसा डिबेंचर खरीदा है, आपने एक ऐसा डिबेंचर कर्जा है जो फिक्स्ड एसेट से मॉर्गेज है, फिक्स्ड एसेट से क्या है, सिक्योर है कि आपका पेमेंट पक्का मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, सिक्योर डिबेंचर। और आपने एक ऐसा डिबेंचर खरीदा जिसमें कोई फिक्स्ड एसेट से सिक्योरिटी नहीं मिली है, उसको सिक्योर्ड या फिर क्या बोलते हैं, नेकेड डिबेंचर। ये आपका अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अगला रिडीमेबल डिबेंचर। अगर आपने प्रिफरेंस शेयर्स के टाइप पढ़े हैं तो ये टॉपिक आपको मालूम होगा, रिडीमेबल। कंपनी के ड्यूरिंग द लाइफ, कंपनी के लाइफ के बीच में, जब 5 साल, 10 साल, 15 साल के बीच में कभी भी आपका पैसा वापस हो जाएगा, रिटर्नेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडीमेबल। और इरिडीमेबल, आपने एक ऐसा डिबेंचर खरीदा है जिसका टाइप ही इरिडीमेबल है, मतलब आपका पैसा कभी भी वापस नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब कंपनी के लाइफ है तब तक वापस नहीं होगा, जिस दिन कंपनी बंद होगा तब तुम्हारा पेमेंट मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, इररिडीमेबल। तो इसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, सेम एज प्रिफरेंस शेयर है, तो आप प्रीवियस वीडियो पढ़ेंगे, इसमें टाइप्स ऑफ शेयर है, शेयर्स के टाइप है, उसमें आपको ही मिल जाएगा। तो कंपनी के लाइफ के बीच में, जब पैसा वापस होता है तो उसको रिडीमेबल, और कंपनी जब तक चल रही तब तक पैसा आपका नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक अ शेयर, तो उसको क्या बोलेंगे, इररिडीमेबल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। ये कन्वर्टेबल क्या है, नॉन कन्वर्टेबल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए व्हाट इज कन्वर्टेबल, नाम से ही दिख रहा है कि कन्वर्ट होने का ऑप्शन मिलेगा इनको, कन्वर्ट होने का ऑप्शन। तो आप, मैं आपको दिखाता हूं किसमें कन्वर्ट हो सकता है। ये देखिए, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, किसको इशू किए, पब्लिक को, बोले कि 10 ईयर के बाद आपका पेमेंट मिल जाएगा। 10 साल के बाद पब्लिक आया, बोला कि सर 10 साल हो गया, हमारा पेमेंट कर दो वापस, जितना हमने लोन दिया था उतना वापस कर दो, 10 साल के बीच में आपने इंटरेस्ट दे दिया, 10 साल के बाद हमारा पैसा वापस कर दो। तो कंपनी इनको ऑफर देता है कि डिबेंचर होल्डर, आप चाहो तो अपना पैसा ले लो रिटर्न, या आप चाहो तो अपने इन पैसे के बदले, इन फंड्स के बदले, आप अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करा लो, किसमें, इक्विटी में कन्वर्ट करा लो। तो डिबेंचर होल्डर को ये ऑप्शन मिलता है, अगर आप ये टाइप खरीदे हो तो, या तो आप पैसा को क्या ले लो, रिटर्न ले लो, या तुम अपने डिबेंचर को, अपने उधारी को मालिक बन सकते हो, क्या ले सकते हो उसके बदले, इक्विटी ले सकते हो, ओनर बन सकते हो। तो कंपनी जो पब्लिक है ना, ये 10 साल का ब्याज उठाया है कंपनी से, इसको कंपनी के बारे में सब पता है। तो अगर इसको लगता है कि कंपनी फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, कंपनी बहुत स्ट्रांगली चल रहा है, कंपनी बहुत फेमस हो चुका है, कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, क्यों ना मैं इसका मालिक बन जाऊं, तो अपने डिबेंचर को ये कन्वर्ट करा लेगा किसमें, इक्विटी में, और कंपनी का क्या बन जाएगा, ओनर। और वहीं पब्लिक को लगता है कि नहीं, हमारी कंपनी जो अच्छी नहीं चल रही, बस इंटरेस्ट ही देता है बड़ी मुश्किल से, प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, कंपनी के बारे में जानता हूं उतना अच्छा कंपनी नहीं है, तो आप रिपेमेंट लेकर बाहर निकल जाओ। तो ऐसे डिबेंचर आपने परचेस किया है, एक ऐसा डिबेंचर परचेस किया है जिसको एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, अभी नहीं, रिडम्पशन के टाइम में, जब आप पेमेंट लेने जाओगे 10 या 15 साल बाद, आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि सर क्या आप अपने डिबेंचर का पेमेंट लेना पसंद करेंगे कि अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करना पसंद करेंगे, किसमें, इक्विटी में। अगर आप इक्विटी में कन्वर्ट करना पसंद करते हैं, यहाँ के ओनर बनना पसंद करते हैं, तो आपका डिबेंचर कन्वर्ट हो सकता है। वहीं आपने अगर क्या लिया हुआ है, नॉन रिडीमे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिया है, तो आपको कन्वर्ट होने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। याद रखना, डिबेंचर कन्वर्ट होता है इक्विटी में, कभी भी इक्विटी नहीं कन्वर्ट हो सकता है। और ये पॉइंट भी प्रिफरेंस शेयर में था,
प्रिफरेंस शेयर कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी में, डिबेंचर कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी मेन शेयर्स होते हैं, वोटिंग पावर्स ओनर होते हैं। तो अगर आपके ऑप्शंस मिले हुए हैं ये सारे के सारे का, तो आप अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। ये तो पढ़ लिया आपने डिबेंचर के टाइप। पहला टाइप था तुम्हारा कौन सा? रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब होता है रजिस्टर में आपका नाम लिखा हुआ। आप ऐसे डिबेंचर को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको होल्ड करना पड़ेगा। एंड दूसरा है आपका कौन सा? बियरर। ऐसे डिबेंचर जिसका नाम नहीं लिखा होता, जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके हाथ में डिबेंचर होगा उसको पेमेंट मिलेगा। सिक्योर, आपके नाम से अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स रखा हुआ है तो आपने जो टाइप लिया हुआ उसको डिबेंचर बोलेंगे, सिक्योर डिबेंचर। और आपका जो डिबेंचर है उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिला, पैसा मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, लास्ट में उसको बोलेंगे अनसिक्योर। रिडीमेबल, जब कंपनी के ड्यूरिंग द लाइफ में आपका पेमेंट हो जाएगा तो रिडीमेबल, और कंपनी के लाइफ में आपका पेमेंट नहीं होगा, कंपनी बंद होगी तब पेमेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे? इररिडीमेबल। एंड कन्वर्टेबल, आपके डिबेंचर को ऑप्शन मिला है कन्वर्ट होने का, किसमें कन्वर्ट होने का? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने का, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। और अगर ऑप्शन नहीं मिला तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कन्वर्टेबल। अब पढ़ते हैं मेथड ऑफ रिडम्पशन। देखो मैं कंटेंट ज्यादा दे रहा हूं ताकि आप चीजों को मिलाकर एक आंसर बना सके 30 मिनट्स में, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा बचेगा नहीं वहां पर, कंटेंट ज्यादा रहेंगे तब जल्दी जल्दी लिख पाओगे। पता चल रहा आप 30 मिनट में बैठे हो, सोच सोच के लिख रहे हो, अब अगला क्या होगा सोच रहे हो, लिख रहे हो सोच, तो टाइम खत्म हो जाएगा, 20 मिनट से ज्यादा आप लिख नहीं पाओगे। तो आपको लिखना ज्यादा है, फास्ट लिखना है, तो मन में दिमाग में आपके बहुत सारे कंटेंट होना चाहिए। इसलिए अगला टॉपिक आपका रिडम्पशन, मेथड ऑफ रिडम्पशन, कैसे रिडम्पशन होगा। पहले तो आप ये समझ रहे रिडम्पशन का मतलब क्या है? कंपनी ने जब लोन दिया है, सपोज करो 2012 में 10 ईयर के लिए, तो पब्लिक कितने साल के बाद आएगा पेमेंट वापस लेने? 10 साल के बाद 2022 में। तो कंपनी आया अपने डिबेंचर्स को लेकर, देखिए सर मेरे पास आपका डिबेंचर है, मेरा पेमेंट का टाइम हो गया, मेरा रिडम्पशन का टाइम हो गया है, रिडम्पशन रिडम्पशन का टाइम हो गया मेरा, मेरा पेमेंट कर दो आप। तो किस तरीके से कंपनी पेमेंट करता है? अच्छा, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी यूट्यूब में डाले हुए हैं, रिडम्पशन डिबेंचर के रिडम्पशन कैसे होता है, इसके भी यूट्यूब में डाले हुए, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिलहाल अभी पढ़ते हैं कि कैसे रिडम्पशन होगा। कंपनी पेमेंट करने का टाइम है, 10 साल के बाद पब्लिक आ गया अपने डिबेंचर को देकर, तो कंपनी कैसे पेमेंट करेगा? कंपनी पूरा पैसा एक साथ दे देगा। लेट सपोज आपने कितना लगाया था, 1 लाख रुपए लगाया था, तो आपको पूरा 1 लाख रुपए वापस कर देगा। इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे लमसम। जब एक साथ पूरा पैसा वापस हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? लमसम। कंपनी बोलेगा 1 लाख दिया, 25-25 करके 4 बार दूंगा मैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा। तो आप पढ़ रहे हो कि पेमेंट कैसे होगा, रिडम्पशन कैसे होगा, तो दो तरीका होता है। एक हो गया किसमें? पूरा पैसा एक साथ दे दोगे तो उसको बोलेंगे रिडीम, रिडम्पशन एट लमसम। और दूसरा क्या बोलेंगे? इन इंस्टॉलमेंट। और क्या ऑप्शन दिया हुआ है नीचे देखिए? लमसम में पेमेंट हो जाएगा, मेच्योरिटी एट लमसम, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अब एक और है जो है ओपन मार्केट परचेज। ये ओपन मार्केट परचेज क्या होता है देखना, इसके बारे में क्या, बाकी आप पढ़ सकते हैं। लमसम का मतलब होता है पूरा पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, पूरा फुल पेमेंट एक साथ कर देगा तो उसको क्या बोलते हैं? लमसम। और अगर इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के मे बी 4 साल या क्वार्टरली या हाफ ईयरली हो सकता है। कंपनी के पास सफिशियंट फंड आ गया, टाइम लिया था पब्लिक से कितने साल का? 10 साल का। 6 साल के बाद कंपनी के पास पैसा है और ये डिबेंचर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर के पास डिबेंचर्स रखे हुए, एक डिबेंचर कितने का? 100 का। ये पेमेंट लेने कब जाएगा? 10 साल के बाद। लेकिन कंपनी के पास 6 साल के बाद ही पैसा आ गया है। अब ये चाहता है कि मैं पेमेंट कर दूं, लेकिन ये पब्लिक तो आएगा 10 साल के बाद, तब ये करता है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में क्या करता है कि एक अनाउंस करता है ओपन मार्केट में कि जिनके पास डिबेंचर है क्या वो अपना डिबेंचर बेचना चाहते हैं, हम ओपन मार्केट में उनका डिबेंचर को परचेस कर लेंगे, और जिनको नहीं बेचना उनको तो 10 साल के बाद पेमेंट मिल ही जाएगा। तो कंपनी के पास जब सफिशियंट बैलेंस आ जाता है, सफिशियंट कैश आ जाता है, तो कंपनी क्या करता है? ओपन मार्केट परचेस करता है। ओपन मार्केट परचेस का मतलब होता है जो डिबेंचर होल्डर है, इफ आप चाहते हैं कि आप अपना डिबेंचर को बेच दे तो हम खरीद लेंगे, कंपनी बोल रहा है हम खरीद लेंगे, तो आप थ्योरी कंपनी की तरफ से बोल रहे। तो कंपनी मार्केट को ओपन करता है कि मैंने जो डिबेंचर इशू किया था मैं उसको बाई बैक कर रहा हूं, वापस खरीद रहा हूं, ओपन मार्केट परचेस। हाँ थोड़ा सा ये ऑफर दे देता है उस समय कि 10 के 100 के जगह 102, 105 कुछ प्रीमियम में खरीद लेता है, ज्यादा में खरीद लेता है। तो जब कंपनी अपने शेयर्स को रिडम्पशन पीरियड के पहले, जब कंपनी के पास सफिशियंट फंड हो जाता है, तो कंपनी अपने मार्केट को ओपन करता है और अपने शेयर्स को वापस खरीद लेता है
कुछ डिबेंचर होल्डर बेच देते हैं। जैसे आप डिबेंचर होल्डर, आप 10 साल होल्ड करना चाहते हो तो आप 10 साल होल्ड कर लो, लेकिन आप चाहते हो कि अभी मेरा शेयर डिबेंचर वापस बिक जाए और कमे को ज्यादा पेमेंट मिल जाए तो कंपनी आपके डिबेंचर को खरीद लेगा, तो ओपन मार्केट परचेज। तो ये बीच में कंपनी के पास, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब कंपनी के पास फंड हो। तो बीच में कंपनी मार्केट को ओपन करता है, बोलता है कि मैं अपने डिबेंचर को वापस बायबैक कर रहा हूँ, अगर आपको बेचना है तो आप बेच सकते हो, मैं खरीद लूंगा, तो ये ओपन मार्केट परचेज हुआ। एंड चौथा, अभी अभी जस्ट आपने पढ़ा है, एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, कन्वर्शन इंटू फ्रेश शेयर या डिबेंचर। मतलब आपके डिबेंचर का जब पेमेंट हुआ, 10 साल के बाद आपको बुलाया गया तो ऑफर मिलेगा कि आप चाहे तो सर ले जाओ पेमेंट, या फिर आप कन्वर्ट हो जाओ किसमें, इक्विटी शेयर में, या आपको नया डिबेंचर दे सकते। तो चार टाइप से पैटर्न होते हैं। तो सुनना क्या, आप 10 साल के बाद पेमेंट लेने गए तो आपको मिला पूरा पेमेंट एक साथ, फुल पेमेंट मिल गया आपको, क्या बोलेंगे, पेमेंट लमसम ऑन मेच्योरिटी। अगर आप पेमेंट लेने गए और आपको पैसे किस्तों में मिल रहा है कि 6 महीना 6 महीना, एक एक साल में 25-25 करके मिल जाएगा, जो भी इंस्टॉलमेंट मिलेगा, तो उसको बोलेंगे पेमेंट इन लमसम। वहीं आप पेमेंट लेने गए नहीं थे लेकिन कंपनी ने एक ऑफर निकाला कि जितने के पास डिबेंचर, अगर आप अपना डिबेंचर बेचना चाहते हैं तो हमें भी परचेस करना चाहते हैं, ओपन मार्केट, ओपन कर दिया मार्केट उसको, ओपन मार्केट परचेस। और अगर आपके डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्टेबल के बारे में। एक सेकेंड, देखिए सारा का सारा आपको यहाँ लिखा हुआ है, निकिता शॉर्ट से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होता है यहाँ पर देखिए, डिबेंचर्स अ डिबेंचर्स, एक सेकेंड, अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी एज अ एविडेंस, बोला ना, एक एविडेंस है, एक एविडेंस है, जब आप इशू करते हैं पैसा पब्लिक देता है तो पब्लिक को एक एविडेंस पेपर मिलता है, तो एविडेंस ऑफ इट्स डेब्ट, उधारी का है। इट इज एक्नोलेजमेंट ऑफ द कंपनीज इंटरडिपेंडेंस, की मैंने उससे लिया था, उसका एक एक्नोलेजमेंट होता है। दिस डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट, ये आपका टाइप पढ़ सकते हैं मीनिंग। इसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पर टाइप, टाइप ऑफ डिबेंचर, टाइप अभी अभी आपने पढ़ा था क्या क्या टाइप हो सकता है, एक सेकेंड, ए देखो रजिस्टर्ड डिवेंचर, रजिस्टर्ड डिवेंचर के बारे में बताया, रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर आर दोज विच आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ द डिवेंचर। तो अभी पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप जो मैंने पढ़ाया उसको वापस देखेंगे, फटाफट फटाफट बुक्स पढ़ेंगे। एक रजिस्टर्ड डिवेंचर होता है, अगला आपका क्या है, ये है आपका कौन सा, अनरजिस्टर्ड डिवेंचर, फिर सिक्योर एंड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो जो बुक के टॉपिक है उन्हीं को मैंने कवर किया हुआ है, निकिता सॉल्ट पेपर है, अजय माला से आप पढ़ सकते हैं, इवन बुक में भी मिल जाएगा, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। यस, कुछ एडवांटेजेस हैं जो मैंने नहीं पढ़ा है, तो एडवांटेजेस आप पढ़ सकते हैं, क्या होता है एडवांटेज, देखो फिक्स्ड रिटर्न है, हर बार आपको देना है, स्टेबल प्राइस है, तो एडवांटेज आप लिखो, या फिर मैंने कुछ फीचर दिया हुआ था आपको तो उन फीचर को यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर्स मैंने लिखाया था आपको कि ये है काइंड्स ना, डिबेंचर के पीछे बोरोड फंड होता है, ठीक है, इसके बाद कंपलसरी फिक्स पेमेंट है। तो आप डिबेंचर के फीचर वहां पर सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, इतना कंटेंट मिल जाए कि आप लिख सकते हैं इसके बारे में। तो डिबेंचर के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा इसका मीनिंग, उसके बाद हमने पढ़ा इसका फीचर, उसके बाद हमने पढ़ा इसके टाइप, टाइप ही सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद पढ़ा किस तरीके से रिडम्पशन हो सकता है। तो चार टॉपिक है, इसके अलावा भी आपको कंटेंट पढ़ना था आपके बुक में, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखा होगा, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक आप जल्दी से तैयार करके रखो डिबेंचर्स के बारे में, अगले वीडियो में हम मिलेंगे मीटिंग्स के बारे में, कंपनी के मीटिंग्स क्या होता है उसके बारे में।